Assalamu alaikum students, Dr. Rabia here. आज हम लोग next chapter start करेंगे, which is chapter number 28 from BB, perineum. Examination point of view से और वाइवा के हिसाब से एक important topic है, अक्सर पूछा जाता है, इसमें से question भी आता है. तो start करते हैं. सबसे पहले perineum का introduction है. हमारे पास perineum जो है वो region होता है जहाँ जो कि trunk का lower end है, ठीक है, interval between the two of the thighs. एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें लोकेटेड होते हैं. पेरिनियम जो है वो पेल्विक फ्लोर का जो निचला पोर्शन है वो उस पर कंसिस्ट किया हुआ था. ये जो पेल्विक फ्लोर का निचला पोर्शन है उसको हम पेरिनियम बोलते हैं. वही फिल करता है पेल्विक आउटलेट को या फिर इंफीरियर अपर्चर ऑफ द पेल्विस को. अभी हम थोड़ी देर में इसकी जो है वो पिक्चर देख लेंगे इसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. अब बाकी सारे आगे वही बातें हैं कि हमें पता है कि हमारे पास मेल में जो है वो दो एक्सटर्नल ओपनिंग होती हैं. एक जो होती है वो यूरोजेनिटल होती है कॉमन, ठीक है, यूरिनरी और जेनिटल सिस्टम के लिए होती है, और दूसरी हमारे पास गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम होती है. जबकि फीमेल्स के अंदर फीमेल सिस्टम्स के लिए अलग अलग ओपनिंग होती हैं. पेरिनियल बॉडी हम पढ़े हैं कि हमारे पास पेरिनियल बॉडी जो है वो एक फाइब्रोमस्कुलर मास है, ये बॉडी है जो कि आपकी पेरिनियम के अंदर पड़ी हुई होती है और उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मसल्स जो होते हैं वो अटैच हुए होते हैं. हम पिछले लेक्चर में आई गेस यूट्रस वाले लेक्चर में पढ़ कर आए थे कि पेरिनियल बॉडी के अंदर 10 मसल्स जो होते हैं वो अटैच हुए होते हैं. आज हम उनमें से कुछ पढ़ भी लेंगे. उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास ये जो पेरिनियल बॉडी है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक मेजर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी, पर्टिकुलरली इन द फीमेल्स. इसके अलावा पेडेंडल नर्व आती है जो कि सप्लाई करती है. ये सारा इंट्रोडक्शन है. मसल्स को, स्किन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को और पेडेंडल मीन्स टू बी अशेम्ड ऑफ. ये हमारे पास पेरिनियम है, ठीक है. अभी हमने कहा कि हमारे पास पेरिनियम जो है वो लोअर एंड ऑफ द ट्रंक है बिटवीन द टू थाइस, ठीक है. तो अगर हम इसकी बाउंड्रीज देखेंगे तो इंटीरियरली इट विल बी बाउंड्री सुपरफिशियल बाउंड्रीज. इसकी दो बाउंड्रीज हैं, एक सुपरफिशियल बाउंड्री है और एक हमारे पास डीप बाउंड्री है. तो जो सुपरफिशियल बाउंड्री है वो हमारे पास क्या होगी, इंटीरियरली बाय द सिक्रोटम इन द मेल्स एंड इन द फीमेल्स बाय द मोन्स प्यूबिस, पोस्टीरियरली बाय द बटक्स एंड ऑन ईच साइड बाय द मीडियल साइड ऑफ द थाई. अब अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये मिड बॉडी ज्वाइंट है, ठीक है. और ये हमारा सारा पेरिनियम की सुपरफिशियल बाउंड्रीज है जिसमें हमने कहा कि सुपरफिशियल बाउंड्री जो होगी ये आपको यहाँ पे डीप दिखाई दिया, इसके आप सुपरफिशियल जाएंगे बाहर जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, इंटीरियरली बाय द सिक्रोटम इन मेल्स एंड बाय द मोन्स प्यूबिस इन द फीमेल्स, पोस्टीरियरली बाय द बटक्स एंड ऑन ईच साइड बाय द मीडियल साइड ऑफ द थाई. अब अगर हम डीप की बात करेंगे तो ये वाला जो डायग्राम है ये डीप स्ट्रक्चर्स को बता रहा है, डीप बाउंड्रीज ऑफ द पेरिनियम को बता रहा है. डीप बाउंड्रीज हमारे पास वही होंगी जो कि आपकी पेल्विक आउटलेट की बाउंड्रीज थी, ठीक हो गया. किस तरह से उसकी क्या क्या थी कि इंटीरियरली बाय द अपर पार्ट ऑफ द प्यूबिक आर्च एंड द आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है. ये इंटीरियर साइड हो गया ना क्योंकि मिड लाइन आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस इंटीरियर पड़ी हुई है और कॉक्सिक पीछे पड़ी हुई है. तो इंटीरियरली इट विल बी बाय द अपर पार्ट ऑफ द प्यूबिक आर्च एंड द इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट, ठीक है, ये आर्कुएट प्यूबिक लिगामेंट, ये इंटीरियर बाउंड्री होगी. पोस्टीरियरली हमारे पास किससे आएगी, टिप ऑफ द कॉक्सिक बोन से, ठीक हो गया. और ईच साइड पे हमारे पास क्या आएंगी, ये सारा स्ट्रक्चर आएगा जिसमें हमारे पास ये कंज्वाइंट इस्टियो प्यूबिक रमाए आते हैं, इस्टियल ट्यूब्रोसिटीज आ जाएंगी, ये जो यहाँ पे डॉटेड लाइन जहाँ से स्टार्ट हुई हुई है, और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर दैट इज द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ये हमारे पास लेटरल बाउंड्रीज होगी, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर होगी. ये हमारे पास डीप बाउंड्रीज ऑफ द क्या कहते हैं पेरिनियम, ठीक हो गया. अब हम पेरिनियम को डिवाइड कर लेते हैं. हमने कहा कि हमारे पास जो है वो एक ट्रांसवर्स लाइन गुजरी है बिटवीन द टू ऑफ द इस्टियल स्पाइंस. ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है
ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं बिटवीन द टू ऑफ द इस्चियल स्पाइंस, और ये लाइन जो है पेरिनियम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देती है, एक इंटीरियर ट्राइंगल और एक पोस्टीरियर ट्राइंगल या स्पेस एरिया। ठीक है, जो इंटीरियर ट्राइंगल या एरिया होगा इसको हम यूरोजेनिटल ट्राइंगल भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूरेथ्रल हाइएटिस पड़ा हुआ होगा, यूरेथ्रल ओपनिंग होगी, और पोस्टीरियर जो होगी स्पेस या एरिया ट्राइंगल उसको हम बोलेंगे एनल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एनल ओपनिंग पड़ी हुई होगी। ठीक हो गई, ये हमारी डिविजन्स होगी। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम एनल रीजन के अंदर देख लेते हैं। एनल रीजन के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास एक वो एनल ओपनिंग होगी ना, ठीक है, जो इसमें जो एनल कैनाल बाहर ओपन होगा। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास एनल कैनाल के अंदर इस कैनाल के दोनों साइड्स पे फोसा होता है, जिसको हम नाम देंगे इश्यो एनल फोसा। ठीक है, यानी यूं बीच में से कैनाल गुजर रही है, ठीक है, और इस कैनाल के दोनों साइड्स पे जो है वो हमारे पास एक फोसा होगा, जिसको हम इश्यो एनल फोसा का नाम देंगे बोथ साइड्स पे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं यूरोजेनिटल। इसमें हमने सिर्फ ये दो बातें पढ़ी कि एक तो हमारे पास ये ओपनिंग है जिसको हमने एनल ओपनिंग कही है, और इसके कैनाल के दोनों साइड्स पे हमारे पास एक फोसा है जिसको हमने इश्यो एनल फोसा का नाम दे दिया। अब हम बात करते हैं इंटीरियर ट्राइंगल की या फिर यूरोजेनिटल ट्राइंगल की। यूरोजेनिटल ट्राइंगल जो है वो कंसिस्ट करती है एक्सटर्नल यूरोजेनिटल ऑर्गन्स, मेल्स के केस में भी फीमेल्स के केस में भी। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास दो स्पेसेस होती हैं, दो पाउचेस बनते हैं, एक को हम कहते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच और दूसरी को हम कहते हैं डीप पेरिनियल पाउच। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास एक कैनाल गुजर रही होती है जिसको हम पेडेंडल कैनाल का नाम देते हैं, जिसमें से हमारे पास स्ट्रक्चर्स गुजर रहे होते हैं जो कि पेडेंडल नर्व और इंटरनल पेडेंडल वेसल्स हैं। पेडेंडल कैनाल जो है वो इश्यल फोसा की लेटरल वॉल में लाई की हुई होती है। अब सपोज कि हमारे पास इश्यल फोसा यहाँ पे है लेटरल वॉल पे, यहाँ पे डायरेक्ट आपको पिक्चर दिखाई हुई जिसमें उसने फोसा भी दिखाया हुआ है। ये जो आपको कैनाल टाइप टनल नज़र आ रही है, दिस इज द पेडेंडल कैनाल जिसमें से हमारे पास स्ट्रक्चर गुजर रहा है पेडेंडल वेसल्स और पेडेंडल नर्व्स। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं क्यूटेनियस सप्लाई की, कि जो पेरिनियम की स्किन है दैट स्किन इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर रेक्टल नर्व्स। ठीक है, और स्किन का कौन सा पोर्शन इस नर्व से सप्लाई किया जा रहा है? एनस एंड द इश्यो एनल फोसा, एनस का पोर्शन और जो इश्यो एनल फोसा का ऊपर जो स्किन पड़ी हुई है वो सप्लाई की जाएगी बाय द इंफीरियर रेक्टल नर्व, जबकि हमारे पास जो एनएस के पीछे की स्किन होगी दैट विल बी सप्लाइड बाय द पेरिनियल ब्रांच ऑफ द फोर्थ सैक्रल नर्व। अब हम इस पेरिनियल फेशिया पढ़ लेते हैं। इसके सुपरफिशियल फेशिया होगा, डीप फेशिया होगा। सुपरफिशियल फेशिया जो होगा वो उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फैट पड़ा हुआ होगा जो कि पूरे इस फोसा को जो है वो कवर किए हुए होगा। जबकि हम डीप फेशिया की बात करें तो डीप फेशिया जो है वो फॉर्म्ड बाय द, यहाँ ये दो से तीन तरह के फेशिया से मिलकर बना हुआ होगा। एक तो ये हमारे पास बना होगा जो पेल्विक डायफ्राम के नीचे जो पेल्विक फेशिया आ रहा था जो कि इन्फीरियर सरफेस को कवर कर रहा था उससे बना हुआ है। इसके साथ साथ ऑब्टूरेटर इंटरनल फेशिया से बना हुआ है जो कि आया हुआ होता है, जिसने मतलब कवर किया होता है बिलो द अटैचमेंट ऑफ द पेरिनियल लेवेटर रेनाई मसल की एरिया को। ठीक हो गया, ये हमारे थे फेशियस। अब हम बात करेंगे एनोकोक्सीजियल लिगामेंट की। ये जो है हमारे पास फाइब्रोफैटी मास होता है और इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लेवेटर रेनाई मसल एंड द एक्सटर्नल एनल स्प्रिंग्स। ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से ये निकला हुआ होता है और ये एक्सटेंड किया हुआ था फ्रॉम द एनस टू द टिप ऑफ द कॉक्सिक
और ये सपोर्ट करता है रेक्टम को। यहाँ पे हमारे पास आपकी बुक में एक डायग्राम दी हुई है, वहाँ पे जो है ना उसने उसको दिखाया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास एनस के पीछे से जो है वो गुजर रहा होता है टिप ऑफ कोक्सेक के बीच में, लाइक किया हुआ होता है इस तरह से। ठीक हो गया, अब हम पढ़ेंगे पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडी हमें पता है कि हमारे पास क्या है, एक फाइब्रोमस्कुलर बैग है या एक फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ होता है, सारे मसल्स जो हैं वो अटैच हुए होते हैं। ये एक मिड लाइन प्लेन में पड़ा हुआ है, मीडियन प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है ये स्ट्रक्चर, और इसका जो है डायमेंशन जो है अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द एनल मार्जिन। ठीक है, यानी ये एनल मार्जिन के 1.25 सेंटीमीटर सामने पड़ा हुआ है। किसके क्लोज पड़ा हुआ है, टू द बल्ब ऑफ द पेनिस। और हमारे पास ये जो सारे मसल्स हैं, 10 मसल्स जो उसने बताया हुआ है कि ये सारे क्या करते हैं, यहाँ पे आके अटैच होते हैं इन द पेरिनियल बॉडी। अब ये 10 मसल्स में से इसमें से 2 अनपेयर्ड हैं, बाकी पेयर्ड हैं। जो 2 अनपेयर्ड हैं ये हम पीछे भी पढ़ाए हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड द फाइबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ द एनल कैनाल। जबकि जो पेयर्ड मसल्स हैं यानी ये सारे दो दो होंगे, बल्बो स्पॉन्जियोसस डीप एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनी मसल्स एंड द लोवेटर एनाई मसल। ये डीप स्ट्रक्चर्स हैं, अभी हम इसको थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद उसने पेरिनियल बॉडी की इंपॉर्टेंस बताई है कि पेरिनियल बॉडी जो है वो पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और ये फीमेल का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। अगर ये किसी भी तरह से रप्चर हो जाता है तो प्रोलैप्स हो सकता है, ये हम पढ़ाएंगे पीछे। ये हमारे पास मसल्स हैं, पेरिनियल मसल्स, सुपरफिशियल पेरिनियल मसल्स हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास डीप पेरिनियल मसल्स भी आएंगे जो हम अभी जो है वो, अगर आपने जैसे जरगुल ने कहा था कि हमें जो है ना वो टेबल सही लगता है, तो टेबल जो है वो स्नेल में बना हुआ, उसका चैप्टर नंबर मैं आपको बता दूंगी और आप लोग वहाँ से कर लेना अगर आपको वहाँ से ईजी लगे। यहाँ पे आपका जो मसल दिए हुए हैं वो हमारे पास इश्यू अवेयरनेस मसल है, ठीक है, बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल है, और सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनी मसल है। इन मसल्स की ओरिजिनेशन बताई हुई है, इंसर्शन बताई हुई है, फाइबर्स बताए हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक्शंस बता दूंगी कि हमारे पास इश्यू अवेयरनेस मसल जो है वो हमारे पास हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द इरेक्शन ऑफ द पेनिस बाय कंप्रेसिंग द क्रस, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल भी जो है वो हेल्प करता है इन द एजैकुलेशन ऑफ द सीमन। और इसके जो मिडल फाइबर्स होते हैं बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल के, ये हमारे पास असिस्ट करते हैं इन द इरेक्शन ऑफ द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। और इसी तरह से इसके जो इंटीरियर फाइबर्स हैं वो हेल्प करते हैं इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस बाय कंप्रेसिंग द डीप डोर्सल वेन ऑफ द पेनिस। जबकि फीमेल्स के केस में ये जो बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल है ये एक्ट करता है एज अ स्फिंक्टर ऑफ वजाइना, और ये असिस्ट करता है इन द इरेक्शन ऑफ द क्लिटोरिस। सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनी मसल की बात करें तो ये हमारे पास पेरिनियल बॉडी को हेल्प करते हैं। ये हमारे मसल्स हो गए पेरिनियल मसल्स, ये एक ही डायग्राम में सुपरफिशियल और डीप मसल दिखाया हुआ फीमेल का है। यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है दिस इज द इश्यू कैवर्नोसस मसल, ठीक है। इसके नीचे जो हमारे पास पड़ा हुआ है दिस वन इज द बल्बो स्पॉन्जियोसस मसल, ये फीमेल के केस में होगा। ये जो आपको मसल नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, सुपरफिशियल ट्रांसवर्सस पेरिनी मसल, और ये हमारे पास एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर आ गया, पीछे एनस आ गया। और इसी तरह से यहाँ पर डीप देखेंगे तो इन स्ट्रक्चर्स के नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यूरिथ्रा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये यूरिथ्रल ओपनिंग है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर पड़ा हुआ है और डीप ट्रांसवर्स पेरिनी मसल पड़ा हुआ है, दिस इज द डीप ट्रांसवर्स पेरिनी मसल। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लिवेटर एनाई मसल के पार्ट आ जाएंगे जो हम पहले पढ़े हैं। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर की बात करेंगे तो हम पढ़ कर आए हैं कि ये हमारे पास किस लेवल पर पड़ा हुआ होता है, हम यूरिथ्रल पढ़ कर आए हैं, दिस इज द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है उसने बताया कि हमारे पास एनल कैनाल जो है वो सराउंडेड होती है बाय द इंटरनल एनल स्फिंक्टर इन इट्स अपर थ्री फोर्थ्स, ठीक है। यानी ये हमारे पास एक लाइन होती है द वाइट लाइन ऑफ हिल्टन,
सपोज करें, ये हमारे पास वाइट लाइन ऑफ हिल्टन है। वाइट लाइन ऑफ हिल्टन से जो है ऊपर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, एनलोफेशिया, बिलो द विच एंड्स बिलो एट द लेवल ऑफ वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। वाइट लाइन ऑफ हिल्टन के लेवल से थोड़ा सा नीचे जो है ये स्फिंक्स्टर, जो कि इंटरनल एनल स्फिंक्स्टर है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस और जो होल ऑफ द लेंथ ऑफ एनल कैनाल को सराउंड किया हुआ होता है वो हमारे पास एक्सटर्नल एनल स्फिंक्स्टर होता है। इट इज़ सप्लाइड बाई द इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड बाई द पेरिनियल ब्रांच ऑफ द फोर्थ सैक्रल नर्व। ये वॉलंटरी कंट्रोल होगा और ये हमारे पास एनस और एनल कैनाल को जो है वो क्लोज करेगा। द नेक्स्ट इज इश्चो एनल फोसा, जो हम पढ़ कर आए थे कि हमारे पास किस के अंदर होता है, जो ट्राइंगल है आपकी पोस्टीरियर ट्राइंगल है पेरिनियम के, उसमें होता है, ठीक है। ये हमारे पास वेज शेप स्पेस है। ये फोसा जो है कैनाल के दोनों साइड पे होगा, ठीक है, और बिलो द पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम के नीचे जो है वो हमारे पास एनल कैनाल के दोनों साइड्स पे जो स्पेस होगी या फोसा होगा उसको हम इश्यू एनल फोसा कह रहे हैं, ठीक है। इसके जो है वो बेस होती है और एपिक्स है। बेस जो है वो इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स और जो एपिक्स होगी यानी टूवर्ड्स द सर्फेस, और जो एपिक्स होगी वो डायरेक्टेड होगी अपवर्ड्स। बेस डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड द एपिक्स डायरेक्टेड अपवर्ड्स। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो लेंथ 5 सेंटीमीटर, विथ 2.5 सेंटीमीटर और डेप्थ जो है वो 5 to 6.2 सेंटीमीटर। बाउंड्रीज की बात करें तो बेस जो है वो स्किन से बनी हुई होगी, जबकि एपिक्स जो है वो इज फॉर्म्ड बाय द लाइन वेयर द ऑब्चुरेटर फेशिया मीट्स द इंफीरियर फेशिया ऑफ द पेल्विक डायफ्राम और द एनल फेशिया। एपिक्स जो है वो उस लाइन से बनी हुई है जहाँ पे आपके दो फेशियाज जो हैं वो मीट कर रहे हैं। एक तो ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल का फेशिया जो है वो मीट करेगा किसके साथ, विद द इंफीरियर फेशिया ऑफ द पेल्विक डायफ्राम या एनल फेशिया के साथ। और ये लाइन जो है वो कोरस्पोंड कर रही होती है टू द ओरिजिनेशन ऑफ द लेविटल नाई मसल फ्रॉम द लेटरल पेल्विक वॉल, ठीक है। जो लेटरल पेल्विक वॉल है वहाँ से जो लेविटल नाई मसल की ओरिजिनेशन है, या वो लाइन जहाँ से लेविटल नाई मसल जो है ऑन द लेटरल पेल्विक वॉल ओरिजिनेट होता है, वो बताती है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एपिक्स है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या है, फोसा, इश्चुअनल फोसा। अगर हम इसकी बात करें, इसकी पहले बाउंड्रीज पढ़ लेते हैं। एंटीरियरली इट इज़ लिमिटेड बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन। इसके आगे जो है ऑब्वियसली यूरोजेनिटल डायफ्राम पड़ा हुआ है। यूरोजेनिटल डायफ्राम के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पेरिनियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो वो इसकी एंटीरियर बाउंड्री जो है वो बनाएगी बाय द पोस्टीरियर साइड ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और पोस्टीरियरली बाय द ये फोसा जो है वो रीच करता है टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। जाहिर है पीछे अब क्या पड़ा हुआ है, कोक्सिक आ रही है। कोक्सिक बोन जो है वो हमारे पास हिप बोन के साथ कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स। तो पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस पड़ा होगा और ये हमारे पास सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट पड़ा होगा। लेटरल वॉल जो है वो किससे बनी होंगी, लेटरली हमारे पास क्या बना हुआ है, ऑब्टूरेटर इंटरनस पड़ा हुआ है, तो ऑब्टूरेटर इंटरनस और इसके फेशिया से मीडियल सर्फेस ऑफ द इस्टियल ट्यूब्रियोसिटी से बिलो द अटैचमेंट ऑफ ऑब्टूरेटर फेशिया। ऑब्टूरेटर फेशिया के अटैचमेंट से नीचे की जो साइड होगी इस्टियल ट्यूब्रियोसिटी की, वो हमारे पास क्या बनाएगी, लेटरल वॉल ऑफ द फेशिया, फोसा, इस्ट्यूएनल फोसा। जो मीडियल वॉल है वो स्लोप करती है अपवर्ड्स एंड लेटरली एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्स्टर एंड द लेविटल एनाई मसल विद द एनल फेशिया इन इट्स अपर पार्ट। अच्छा, हम ये स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे कि अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो फोसा है ये एक एनल फेशिया के थ्रू डिवाइड हुआ हुआ है इंटू टू स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक हमारे पास होगा यहाँ पे हमारे पास क्या स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, ये जो आपको ग्रीन लाइन ड्रॉ की हुई है दिस इज द फेशिया, एनल फेशिया, ठीक है। और यहाँ इस एनल फेशिया या इस लाइन के थ्रू जो है ना वो इस फोसा को हमने दो स्पेसेस में डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास होगी इस्ट्यू एनल स्पेस और दूसरी हमारे पास होगी पेरी एनल स्पेस, ठीक है।
ये जो है इसके अंदर लार्ज लोक्यूलाई ऑफ द फैट होंगे, इसके अंदर पेरिनल स्पेस के अंदर स्मॉल लोक्यूलाई फैट्स होंगे, यानी फैट्स जो होंगे फैट सेल्स क्लोजली अपोज होंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये क्या है कि यहाँ से हमारे पास कौन, ये ऑब्चुरेटर मसल है, इंटरनस मसल है, इसका इसके आगे इसका फेशिया लगा हुआ होगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, एनल स्फिंक्टर आ रहा है। तो फिर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, एक लैक्यूनाई जो है ना वो बनता है, क्या कहते हैं, फेशिया, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा होता है, सराउंड किया हुआ होता है एस्ट्रियनल स्पेस, ये फेशिया जो है ना वो ये फेशिया इस तरह से कर्व हुआ होता है कि ये आपको ये जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है इस तरह से ये डिवाइड हुआ होता है, ठीक है, या इस तरह से ये लाइंड होता है, ठीक है, और ये वापस आके लगता है टू द एनल फेशिया। और इसकी इस डिवाइडिंग से हमारे पास दो पार्ट्स बन जाते हैं, एक हमारे पास सुप्रा टेगमेंटल स्पेस बन जाती है और एक हमारे पास टेगमेंटल स्पेस बन जाती है। ये भी हम थोड़ी देर में आगे पढ़ लेंगे सारा। रिसेस, यहाँ पे हमारे पास इस फोसा के जो है ना वो तीन रिसेस बनते हैं, यानी बाउंड्री से बाहर जो है वो एक्सटेंड किया हुआ होता है फोसा, अपनी जो भी हमने इसकी बाउंड्रीज पढ़ी हैं इससे बाहर गया हुआ होता है, तो वो तीन हैं, एक एंटीरियरली गया हुआ है जो कि ज़्यादा पोर्शन गया हुआ है, एक पोस्टीरियर गया हुआ है, और एक हमारे पास हॉर्स शू रिसेस होती है। जो हमारे पास इंटीरियर रिसेस है वो ज़ाहिर है इंटीरियर साइड पर है, तो वो अबव फॉरवर्ड करेगी, एक्सटेंड फॉरवर्ड करेगी और रीच करेगी टू द पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। पेरिनियल मेम्ब्रेन से होती हुई भी ये कहाँ तक जाएगी, ऑलमोस्ट टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबस जाएगी, और ये रिलेट करती है क्लोजली टू द प्रोस्टेट और द वजाइना। पोस्टीरियर रिसेस जो होता है वो स्मॉलर होता है और ये एक्सटेंड किया हुआ होता है टू द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। हॉर्स शू रिसेस जो होती है वो कनेक्ट करती है टू ऑफ द इस्टियो एनल फोसा बिहाइंड द एनल कैनाल, ठीक है, एनल कैनाल के पीछे दोनों जो फोसाज हैं उनको कनेक्ट करेगी ये थर्ड रिसेस। अब हमारे पास कुछ स्पेसिस और कैनाल्स बनती हैं विद इन द इश्यू एनल फोसा, वो कौन सी हैं, पहले हम स्पेस पढ़ लेते हैं। एक हमारे पास पेरी एनल स्पेस है और दूसरी हमारे पास इश्यू एनल स्पेस है, ठीक है। पेरी एनल स्पेस हमने अभी वही कहा कि जो हमारे पास एनल फेशिया के नीचे की वाइट लाइन ऑफ रीजन से नीचे की जो स्पेस होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, पेरी एनल स्पेस। ये हमारे पास वाइट लाइन ऑफ हिल्टन थी ना जो कि एनल कैनाल का एक लाइन है, ठीक हो गया। उससे नीचे जो है वो हमारे पास क्या है, सारी पेरी एनल स्पेस है। अच्छा जी, अब उसने उसकी वही बताइए कि कहाँ से एक्सटेंड करी है, ये एक्सटेंड करी है हमारे पास मीडियली फ्रॉम द वाइट लाइन ऑफ हिल्टन से लेकर ये जाती है टू द पेडेंडल कैनाल लेटरली। अभी हम देख कर आए हैं कि ये हमारे पास किस तरह से गई है, ये पूरी लाइन है, ठीक है। ये मीडियली कहाँ से जा रही है, वाइट लाइन ऑफ हिल्टन से जा रही है, और लेटरली कहाँ तक जा रही है, पेडेंडल कैनाल तक जा रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, द नेक्स्ट इस स्पेस के अंदर जो है वो फैट डिपॉजिट होता है, जिसको हमने लार्ज लैक्यूनाई बोला। स्मॉल लोक्यूलाई बोला, ठीक है, और विच इज़ फॉर्म बाय द कम्प्लीट सेप्टा। अब अगर इस सेप्टा इस स्पेस का जो है वो इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो पेनफुल होगा, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से इसमें टेंशन डिवेलप हो जाएगी, इस इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग की वजह से टेंशन डिवेलप हो जाएगी। इससे ऊपर पड़ी हुई जो स्पेस है वो हमारे पास इश्यूनल स्पेस होगी, ये लार्ज है और डीप स्पेस है, ठीक है। इसके अंदर जो फैट्स होंगे वो लार्ज लोक्यूलाई स्पेस होंगे, और इस अगर स्पेस के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगी तो वो इतनी पेनफुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग जो है वो विदाउट टेंशन होती है, ठीक है, यानी टेंशन जनरेट नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं आएगा। द नेक्स्ट इज ल्यूनेट फेशिया, जो कि आर्च करता है ओवर द इश्यू एनल फेशिया, ये भी जो हमने सारा पढ़ा था। इट बिगिनस लेटरली एट द पेडेंडल कैनाल एंड मर्ज मीडियली विद द फेशिया कवरिंग द डीपर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये फेशिया जो है
स्पेस को दो में डिवाइड कर देता है, एक हमारे पास सुप्रा टेगमेंटल स्पेस होती है और दूसरी हमारे पास टेगमेंटल स्पेस होती है। ये भी हम देख कर आए हैं कि हमारे पास ये जो इस फेशिया से ऊपर की स्पेस होगी दैट विल बी द सुप्रा टेगमेंटल स्पेस, और इस फेशिया के अंदर की जो स्पेस होगी दैट विल बी द टेगमेंटल स्पेस। ये थे हमारे कुछ स्पेस, और अब हम पढ़ेंगे किनाल। हमने भी पढ़ा कि हमारे पास क्या आती है, एक पुडेंडल किनाल होती है जिसके अंदर से हमारे पास पुडेंडल वेसल्स और नर्व्स गुजरी होती हैं, ये फ्यूज़ की हुई होती है। द फेशिया ऑफ द किनाल इज फ्यूज्ड विद द लोअर पार्ट ऑफ द ऑब्टूरेटर फेशिया लेटरली, विद द ल्यूनेट फेशिया अबव एंड विद द पेरिनियल फेशिया मीडियली, विद द फेल्सीफॉर्म प्रोसेस ऑफ द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। अभी हमने ये किनाल देखी, हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, लेटरली जो होगी वो किससे करेगी, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है ऑब्टूरेटर फेशिया तो इसके फेशिया के साथ करेगी, और अबव जो है वो हमारे पास कौन सा फेशिया जा रहा था, ल्यूनेट फेशिया तो उसके साथ करेगी, मीडियली जो होगा वो पेरिनियल फेशिया के साथ कम्युनिकेट कंटिन्यू करेगी, और जो इन्फीरियरली है या आपके साइड्स पे जो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स लगे हुए हैं उसके साथ फेल्सीफॉर्म प्रोसेस के साथ जाएगी ग्लू। द नेक्स्ट इस फोसा के कंटेंट्स क्या क्या हैं। एक तो सबसे पहले हमने पैड, अभी फैट पैड पढ़ा कि हमारे पास इसके अंदर फैटी टिश्यू पड़ा हुआ होता है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या आती है, इन्फीरियर रेक्टल नर्व और वेसल्स आती हैं, पुडेंडल केनाल विद इट्स कॉन्टेंट्स, पोस्टीरियर सेक्रोटल और द पोस्टीरियर लेबियल इन केस ऑफ फीमेल्स, नर्व्स और वेसल्स दोनों, पेरिनियल ब्रांच ऑफ द फोर्थ सैक्रल नर्व और इसी तरह से परफोरेटिंग क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द नर्व S2 S3। ठीक हो गया, ये सारा स्ट्रक्चर है जो कि आपके इस्चियो एनल फोसा के अंदर पड़ा हुआ है, ये उसने डायग्राम दिखा दिया। अब हम बात करते हैं मेल पेरिनियम की। मेल पेरिनियम के अंदर जो है वो हमारे पास इंटीरियर डिवीजन उसी तरह से यूरोजेनिटल डायफ्राम यूरोजेनिटल रीजन आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास दो पाउचेस बनते हैं, एक हमारे पास सुपीरियर आती है और एक हमारे पास डीप आती है। सुपीरियर जो होगी वही उसी तरह से क्लोज टू द स्किन वाली बात हो जाएगी, और जो डीप होगी वो अवे फ्रॉम द स्किन वाली बात हो जाएगी। इसकी अगर हम क्यूटेनियस इनोवेशन की बात करें, हम पीछे जो है वो पोस्टीरियर डायग्राम पोस्टीरियर ट्राइंगल जो है वो हम डिटेल से पढ़ाए हैं, अब हम यहाँ पे जो है वो इंटीरियर डिवीजन पढ़ रहे हैं यानी यूरोजेनिटल रीजन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक सुपरफिशियल पाउच बनता है और एक डीप पाउच बनता है। इसकी अगर हम क्यूटेनियस इनोवेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस से सप्लाई होती है, इलियोइनगुइनल नर्व एंड द जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटल फेमोरल नर्व से सप्लाई की जाती है, और इसी तरह से हमारे पास पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, यानी इस सारी स्किन के डिफरेंट रीजन्स को ये सारी नर्व्स सप्लाई कर रही हैं। फिर इसी तरह से सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया की बात करते हैं, सुपरफिशियल फेशिया जो है यहाँ पे दो लेयर्स से मिलकर बना होता है, जैसे हमारे पास लोअर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का फेशिया बना हुआ होता है। जो सुपरफिशियल लेयर होगी इसमें से, जो दो लेयर्स हैं इनमें से जो सुपरफिशियल फैटी लेयर होगी वो कंटिन्यू करेगी विद द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द सराउंडिंग रीजन्स, और जो डीप लेयर होगी या कुलिस फेशिया होगा वो अटैच होगा विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड ऑन ईच साइड टू द प्यूबिक आर्च बिलो द क्रस्ट ऑफ द पेनिस। इंटीरियरली ये कंटिन्यू करेगा विद द फेशिया ऑफ द सेक्रोटम कंटेनिंग द डार्टोस, फेशिया ऑफ द पेनिस एंड विद द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। डीप फेशिया जो होगा वो सिंगल लेयर का बना हुआ होगा और ये लाइन करेगा डीप पेरिनियल स्पेस को इंफीरियरली। द फेशिया ऑफ द यूरोजेनिटल डायफ्राम इज थिक, ये जो डीप फेशिया होगा ये थिक होगा और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पेरिनियल मेम्ब्रेन। इसके अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो हमारे पास इट इज़ बाउंडेड पोस्टीरियरली बाय द इंटरस्टियल लाइन, जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी से ही हमने इसको पूरे इस पेरिनियम के रीजन को दो एरियाज में डिवाइड किया था। ठीक हो गया, तो जाहिर है ये यूरोजेनिटल आपकी ट्राइंगल की पोस्टीरियर बाउंड्री बनेगी बाय दिस लाइन, एंटीरियरली ये किससे बाउंड होगा बाय द प्यूबिक सिम्फाइसिस और लेटरली बाय द इस्टियो प्यूबिक रमाई। द यूरोजेनिटल रीजन जो है वो एक्सटेंड करता है सुपरफिशियली
टू एनकम्पस द सेक्रोटम एंड द रूट ऑफ द पेनिस इन द मेल. द यूरोजेनिटल रीजन जो है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं बाई द स्ट्रॉन्ग पेरिनियल मेम्ब्रेन. पेरिनियल मेम्ब्रेन की मदद से यूरोजेनिटल रीजन जो है वो दो स्पेसिस में डिवाइड हुआ हुआ है. एक हमारे पास डीप पेरिनियल स्पेस है जो कि अबव होगी द पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस होगी जो कि बिलो द सुपरफिशियल पेरिनियल मेम्ब्रेन होगी. डीप पेरिनियल स्पेस की अगर हम बात करें तो प्रीवियसली ये कंसिडर किया जाता था कि ये वो स्पेस है जो कि बिटवीन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड द पेरिनियल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है. लेकिन अब क्या कंसीडर किया जाता है कि जो यूरिथ्रल स्फिंक्स्टर है वो यूरिथ्रा का ही यूरिथ्रा की वॉल के अंदर ही है, यानी यूरिथ्रा की वॉल का ही पार्ट है और यूरोजेनिटल डायफ्राम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. सो द डीप पेरिनियल स्पेस इज थिन एंड ओपन अबव. अब अगर हम इस डीप पेरिनियल स्पेस की बाउंड्रीज की बात करें तो इसका डीप एस्पेक्ट जो होगा बाय द एंडोपेल्विक फेशिया, सुपरफिशियल एस्पेक्ट जो होगा वो बाय द पेरिनियल मेम्ब्रेन. प्रीवियस व्यू जो था वो ये था कि हमारे पास जो स्फिंक्स्टर यूरिथ्राए है वो एक्सटेंड किया होता है बिटवीन द टू ऑफ एस्टियोपिबिक रिमाए पायर्स्ड बाय द यूरिथ्रा. लेकिन अब कंसीडर किया जाता है कि जो स्फिंक्स्टर यूरिथ्राए है वो यूरिथ्रा के वॉल का पार्ट है. दीज मसल्स डू नॉट फॉर्म द ट्रू डायफ्रेगमेटिक शीट एज सच बिकॉज द फाइबर्स फ्रॉम द सेवरल पार्ट्स एक्सटेंड थ्रू द विजरल आउटलेट इन द पेल्विक फ्लोर इन टू द लोअर reaches of the pelvic cavity. यानी there is no sphincter urethra outside the urethra, so no urogenital diaphragm exist. अब ये structures हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो deep और superficial बनी हैं अभी membranes, sorry spaces विद द हेल्प ऑफ अस पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर या नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. ये हमारे पास इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्स्टर आ जाएगा, ये यूरिथ्राए आ जाएगा. ये यहाँ पे हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा हुआ है. ये साइड्स पे जो है ये एलिवेटर एनाई मसल्स हैं, ये ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल है. ये जो आपको ये दो जो आपको बल्बस स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है. ग्रीन जो है ये हमारे पास फेशिया है, पेल्विक फेशिया. ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रही है ये हमारे पास ट्रांसवर्सस पेरिनी मसल है, डीप ट्रांसवर्सस पेरिनी मसल है. ये जो है ये हमारे पास इंट्रा बल्बर फोसा है एंड दिस इज़ द कूलिस फेशिया. ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप में नज़र आ रहा है इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर गुजर रहे हैं, ये सारा कवर हो गया. अब हम बात करते हैं कॉन्टेंट्स ऑफ दिस डीप जो है वो क्या कहते हैं इसकी स्पेस की. इसके जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर हमारे पास आता है यूरिथ्रा जो कि नर्व्स और वेसल्स हैं टू द बल्ब ऑफ द पेनिस, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, डीप डोर्सल वेसल्स एंड द नर्व्स ऑफ द पेनिस एंड द पोस्टीरियर वेसल्स एंड द नर्व्स. अब हम बात करते हैं डीप ट्रांसवर्स पेरिनी मसल की कि वो इस तरह से है कि यहाँ पे उसने सिर्फ ये बातें लिखी हुई हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक इनकम्प्लीट शीट है जो कि एक्सटेंड की हुई होती है अक्रॉस द यूरोजेनिटल ट्राइंगल फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द इस्टियोप्यूबिक रेमाए, ठीक है. पोस्टीरियरली ये अटैच हुई हुई होती है पेरिनियल बॉडी के साथ और इंटीरियरली ये जो है इसके फाइबर्स जो होते हैं वो मतलब डेफिशिएंट होते हैं, कंप्लीट नहीं होती और यहाँ से जो है वो विजरल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पास करते हैं अक्रॉस द एंडोपेल्विक फेशिया एंड द पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है. यानी इंटीरियरली वो कंटिन्यू नहीं है और पोस्टीरियरली वो कंटिन्यू करती है एट द पेरिनियल बॉडी और वहाँ पर उसके फाइबर्स जो हैं वो डीकेसेट करते हैं ऑपोजिट साइड के. टुगेदर विद द सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनी द मसल्स एक्ट एज टू होल्ड द पेरिनियल बॉडी इन द मिड प्लेन, ठीक है. सुपरफिशियल और डीप पेरिनी ट्रांसवर्स पेरिनी मसल्स का जो फंक्शन है वो ये है कि उन्होंने पेरिनियल बॉडी है उसको होल्ड करना विद इन इट्स प्लेस और प्रोवाइड करनी है डायनामिक सपोर्ट टू द पेल्विक विसरस. इट इज़ सप्लाइड बाय द पेरिनियल ब्रांच ऑफ द पेडेंटल नर्व इन द वेसल्स. अब एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्स्टर की बात करें तो उसमें उसने बताया कि इसमें हमारे पास स्मूथ मसल्स होंगे, ये इंट्रिंसिक स्ट्रेटेड स्मूथ मसल फाइबर्स होंगे. इसके साथ साथ हमारे पास प्यूबो यूरिथ्रेलस कंपोनेंट ऑफ द लेवेटर एनाई मसल होगा और हमारे पास जो है वो इट सराउंड्स द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा इन द मेल.
स्मूथ मसल फाइबर्स जो हैं वो रीच करते हैं अप टू द लोएस्ट पार्ट ऑफ द नेक ऑफ द ब्लैडर. द बल्क ऑफ दीज फाइबर्स सराउंड्स द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे फाइबर्स भी हैं जो अटैच हुए होते हैं टू द इनर सर्फेस ऑफ द इस्टियोपिबिक लेमाय फॉर्मिंग द कंप्रेसर यूरेथ्रा. अब हम बात करते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन की. पेरिनियल मेम्ब्रेन हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर इन शेप है. लेटरली जो होगी ये अटैच होगी टू द पेरिओस्टियम ऑफ द इस्टियोपिबिक लेमाय. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, इस्टियोपिबिक लेमाय पड़े हुए हैं. एपिक्स है इसका, ठीक है. एपिक्स जो होगा वो अटैच होगा टू द आर्कुएट लिगामेंट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस. पोस्टीरियरली ये फ्यूज होगा विद द डीप पार्ट ऑफ द पेरिनियल बॉडी एंड कंटिन्यू विद द फेशिया ओवर द डीप ट्रांसवर्स पेरिनियस. पेरिनियल मेम्ब्रेन जो है वो इन स्ट्रक्चर्स से पायर्स्ड की जाती है, ये क्रॉस किए जाते हैं. पेरिनियल मेम्ब्रेन से ये स्ट्रक्चर्स जो है वो गुजर रहे हैं. यूरेथ्रा 2 to 3 centimeters बिहाइंड द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस. आर्टरी टू द बल्ब ऑफ द पेनिस. डक्ट ऑफ द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. मस्कुलर ब्रांचेस टू द मसल्स. डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस. डीप डोर्सल आर्टरी एंड द डोर्सल नर्व्स ऑफ द पेनिस. पोस्टीरियर सेक्रोटल वेसल्स एंड द नर्व्स. ये हमारे पास सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो उसने दिखाए हुए हैं कि पेरिनियल मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस कर रहे हैं. ये पेरिनियल बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है. हमने यही कहा था कि पोस्टीरियरली ये जो उससे भी है. अब हम बात करेंगे सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की. सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस जो है वो हमारे पास क्या है, ये वो स्पेस होगी जो कि होगी सुपरफिशियल टू द पेरिनियल मेम्ब्रेन. पेरिनियल मेम्ब्रेन के सुपरफिशियल होगी. इसकी बाउंड्रीज जो होंगी, सुपरफिशियल बाउंड्री होगी पुलिस फेशिया. डीप बाउंड्री होगी पेरिनियल मेम्ब्रेन. ईच साइड पर प्यूबिक लेमाय लगा हुआ होगा, इस प्यूबिक लेमाय. पोस्टीरियरली क्लोज होगी बाय द पेरिनियल मेम्ब्रेन विद द पुलिस फेशिया. और इंटीरियरली होगा विद द ओपन होगी या कंटिन्यू करेगी विद द स्पेस ऑफ द सिक्रोटम. इसके कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ होगा. मेल पढ़े हैं तो हम मेल का ही पढ़ेंगे. द रूट ऑफ द पेनिस, ठीक है. और हमारे पास उसका बताया हुआ है कि उसने इसके अंदर से रूट ऑफ पेनिस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ये हम पढ़ाए हैं. मसल्स ऑन ईच साइड हमारे पास इस्टियोकेवर्नोसस मसल पड़ा होगा, बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल पड़ा होगा और सुपरफिशियल ट्रांसवर्स मसल पड़ा होगा. नर्व की बात करें तो हमारे पास 3 sets जो होती हैं वो पेरिनियल नर्व्स के आते हैं, जो कि क्या है, पोस्टीरियर सुक्रोटल नर्व, ब्रांच टू बल्ब एंड द मस्कुलर ब्रांच. इसके साथ साथ हमारे पास लॉन्ग पेरिनियल नर्व आती है फ्रॉम द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई. वो इसको सप्लाई करेगी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस को. वेसल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 branches आती हैं पेरिनियल आर्टरी से और 4 branches आती हैं फ्रॉम द आर्टरी ऑफ द पेनिस. ग्लैंड और डक्ट की बात करें तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है मेल के अंदर. ये था हमारा पेरिनियम और मेल पेरिनियम. आई होप आपको समझ आ गया होगा. ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा. जो नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछ लेना. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.